दोस्तों रोजाना गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए यहाँ से सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा ले। हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान पर। दोस्तों आज 7 नवंबर 2019 गुरुवार की एक बार फिर से हम आपके लिए 5 बड़ी भर्तियों की अपडेट लेके आए हैं। ऑल इंडिया की वैकेंसीज है, 10वीं 12वीं डिग्री, डिप्लोमा और भी अन्य योग्यताओं से आप अप्लाई कर सकते हो। मेल या फीमेल बोथ कैंडिडेट इन फॉर्म को भर सकते हैं। 10,000 से ज़्यादा खाली पद है जिनके लिए आपसे आवेदन पत्र मंगाए जा रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे कि क्या इन 5 बड़ी भर्तियों की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, किन किन विभागों के अंतर्गत ये भर्तियां निकली है, किस पोस्ट के लिए कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज है, कैसे आप इन भर्तियों की नोटिफिकेशन की PDF डाउनलोड कर सकते हो, कैसे अप्लाई कर सकते हो और कब तक आप अप्लाई कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी हिंदी में देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों बिना कोई वक्त गवाए शुरू करते हैं आज की 5 बड़ी भर्तियों की पूरी जानकारी। जी हाँ दोस्तों, जो फर्स्ट नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन में। जी हाँ दोस्तों, बैंकिंग सेक्टर के अंतर्गत ये भर्तियाँ निकली है। जो कैंडिडेट बैंकिंग सेक्टर में करियर बनाने की इच्छा रखते हैं उनके लिए यहाँ पर सुनहरा अवसर है। IBPS के अंतर्गत स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स यानी कि SO की भर्ती निकली है, जिसके अंतर्गत डिसिप्लिन है IT ऑफिसर, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, राजभाषा अधिकारी, लॉ ऑफिसर, HR या पर्सनल ऑफिसर और मार्केटिंग ऑफिसर की। टोटल 1,163 वैकेंसीज है। इसमें जनरल कैटेगरी के लिए 508 वैकेंसीज है, EWS कैटेगरी के लिए 176 वैकेंसीज है, OBC के लिए 243 वैकेंसीज है, SC के लिए 165 वैकेंसीज है और ST के लिए 71 वैकेंसीज है। सैलरी 14,500 से 25,700 है। वहीं बात योग्यता की जाए तो ग्रेजुएट डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, LLB और BTech अप्लाई कर सकते हैं। 20 से 30 वर्ष आयु सीमा है। जनरल या OBC या EWS कैटेगरी के लिए ₹600 आवेदन शुल्क है। SC ST PWD के लिए ₹100 है शुल्क। आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग से ऑनलाइन जमा करा सकते हो। सिलेक्शन होगा प्री एग्जाम, मेन ऑनलाइन एग्जाम और इंटरव्यू के आधार पे। ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो, ऑल इंडिया से आप अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। IBPS.in का ऑफिशियल पोर्टल है जिससे आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो, जो कि स्टार्ट हो चुके हैं कल से। जी हाँ दोस्तों, 6 नवंबर स्टार्टिंग डेट थी। लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 26 नवंबर 2019 है। शुल्क जमा कराने के लिए भी अंतिम तिथि 26 नवंबर 2019 है। जो इसका प्री ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा वो होगा 28 और 29 दिसंबर 2019 को, और जो इसका मेन ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा वो होगा 25 जनवरी 2020 को। दोस्तों इन जॉब्स के साथ साथ में हम आपके लिए एक नए ऐप की भी जानकारी लेकर आए हैं। इस वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप ये जानकारी चेक कर सकते हो। ये ऐप न ही कोई मॉक टेस्ट है, न ही कोई ऑनलाइन कोर्स है, ये है एक DigiBook ऐप। दोस्तों आप जो भी बुक सोल्व करते होंगे उसमें पिछले 10-15 साल के सवाल होते हैं। क्या आपको पता है कि पिछले 3 साल से जो पैटर्न है वो बिल्कुल चेंज हो चुका है। एग्जाम्स खासकर SSC का और अब जितने भी पुराने बुक्स थे उनको सोल्व करने का कोई मतलब नहीं रह गया है। इस ऐप से आप बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं। अभी हाल ही में जो 2018 का SSC 2019 में हुआ है उसके सारे सवाल अभी आपको मार्केट में नहीं मिलेंगे, न ही बुक्स में मिलेंगे। वो सारे क्वेश्चंस भी आपको इस ऐप में मिलेंगे। इस ऐप में आपको सब्जेक्ट वाइज एंड टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट्स मिलेंगे। उसमें भी आपको लेवल वाइज सवाल मिलेंगे, इजी, मध्यम एंड डिफ़िकल्ट। यहाँ से आप अपनी तैयारी के हिसाब से लेवल चूज कर सकते हैं। सबसे खास बात इस ऐप में यह है कि इसका एक कम्प्लीट बंडल जो है उसी से आप अपने रेलवेज, IBPS, बैंकिंग और SSC की तैयारी कर सकते हैं। मैं बताता हूँ कैसे। इजी लेवल रेलवे प्री, मध्य लेवल रेलवे मेंस या SSC प्री, डिफ़िकल्ट SSC मेंस। यानी कि रेलवे की तैयारी करनी है तो बस इजी और मध्य लेवल की प्रैक्टिस करें, SSC के लिए मध्यम और डिफ़िकल्ट लेवल की प्रैक्टिस करें। दोस्तों मैंने एक पुराने वीडियो में एक बार बोला भी था कि एक ऐप की कोर्स में सारे एग्जाम कवर हो जाते तो अच्छा होता, और देखिए आज मुझे ऐसा ऐप मिल गया है जिससे आप एक ही बंडल खरीद कर SSC, बैंक, रेलवे तीनों की ही तैयारी कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी ये ऐप डाउनलोड करना है तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप मार्केट से किसी एक सब्जेक्ट की बुक खरीदते हो तो आपको वो 300 से 400 रुपये तक की पड़ती है, लेकिन आप इस ऐप के जरिए सिर्फ 500 रुपये में SSC, बैंक, रेलवे तीनों की तैयारी कर सकते हो। साथ ही साथ यह ऐप डेली सवालों से अपडेट भी होता रहता है।
यानी कि मार्केट से जो चीज़ पढ़ने और प्रैक्टिस करने के लिए आपको 2 से 3 हज़ार रुपये में पड़ती है, इस ऐप के जरिए आपको केवल 500 रुपये में मिल रही है। और साथ ही साथ अगर आप हमारा कूपन कोड GYAN10 यूज करते हो तो आपको 10% इसमें डिस्काउंट भी दिया जाएगा और आपको ये डिजी बुक मात्र 450 रुपये में मिल जाएगी। दोस्तों, इस ऐप की जानकारी के बाद फिर से आप यहाँ पर वैकेंसीज की जानकारी चेक कर सकते हो। जो सेकंड नंबर की जॉब निकली है वो निकली है एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विस लिमिटेड में। पोस्ट है कैबिन सुपरवाइजर या कैबिन टेक्नीशियन की। वेरियस खाली पद है। 25,000 रुपये सैलरी पर मंथ के लिए आपको प्रोवाइड की जाएगी। ग्रेजुएट और डिप्लोमा धारक अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम 40 वर्ष आयु सीमा है। शुल्क भी आपको इस भर्ती के लिए जमा नहीं करना होगा। सिलेक्शन भी बिना एग्जाम के डायरेक्ट इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। ऑफलाइन आवेदन कर सकते हो। ऑल इंडिया से आप आवेदन कर सकते हो। airindia.in इसका ऑफिशियल पोर्टल है जिससे आप इस भर्ती का आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हो। इस भर्ती के लिए आपको डायरेक्ट इंटरव्यू अटेंड करना होगा जिसकी डेट है 30 नवंबर 2019। इंटरव्यू के लिए वेन्यू की जानकारी आप नोटिस से चेक कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों, जो थर्ड नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है पब्लिक सर्विस कमीशन में। लोक सेवा आयोग के अंतर्गत ये भर्ती निकली है। पोस्ट है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2019 के माध्यम से। इसमें वेरियस पोस्ट निकली है, इस एग्जाम के माध्यम से भर्ती की जाएगी। 153 वैकेंसीज है। सैलरी आप नोटिस से पोस्ट वाइज चेक कर सकते हो। बैचलर डिग्री होल्डर अप्लाई कर सकते हैं। 21 से 32 वर्ष आयु सीमा है। जनरल और ओबीसी के लिए 500 रुपये आवेदन शुल्क है। SC/ST PWD को कोई भी शुल्क जमा नहीं करना होगा। शुल्क आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग से ऑनलाइन या फिर चालान से ऑफलाइन भी जमा करा सकते हो। सिलेक्शन होगा प्री रिटर्न एग्जाम, मेन रिटर्न एग्जाम और वाइवा वोस टेस्ट के आधार पर। ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। ओडिशा जॉब लोकेशन है। ऑल इंडिया से आवेदन कर सकते हो। opsc.gov.in इसका ऑफिशियल गवर्नमेंट पोर्टल है जिससे आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो, जो कि स्टार्ट होंगे 13 नवंबर 2019 से। लास्ट डेट 10 दिसंबर 2019 है। फीस पेमेंट की लास्ट डेट भी 13 दिसंबर 2019 है। उसके बाद दोस्तों, जो फोर्थ नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में। पोस्ट है जूनियर असिस्टेंट मल्टीटास्किंग स्टाफ लाइब्रेरी और सीनियर असिस्टेंट की। वेरियस खाली पद है। सैलरी जूनियर असिस्टेंट के लिए 19,900 से 63,200 है। लेवल 3 के अंतर्गत मल्टीटास्किंग स्टाफ लाइब्रेरी के लिए 18,000 से 56,900 है। लेवल 1 के अंतर्गत सीनियर असिस्टेंट के लिए 35,400 से 112,400 है। लेवल 6 के अंतर्गत 10वीं 12वीं ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं। 27 और 30 वर्ष मैक्सिमम आयु सीमा है। UR या OBCIWS के लिए 250 रुपये आवेदन शुल्क है। SC/ST के लिए 100 रुपये है। शुल्क आप डिमांड ड्राफ्ट से जमा करा सकते हो। सिलेक्शन होगा रिटर्न टेस्ट और स्किल टेस्ट के आधार पे। ऑफलाइन आवेदन कर सकते हो। डेली जॉब लोकेशन है। ऑल इंडिया से आवेदन कर सकते हो। ipcollege.ac.in इसका ऑफिशियल पोर्टल है जिससे आप इस भर्ती का आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हो। लास्ट डेट आवेदन सेंड करने की 30 नवंबर 2019 है। उसके बाद दोस्तों, जो 5 और लास्ट नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है नेशनल हेल्थ मिशन में। जी हाँ दोस्तों, NHM के अंतर्गत ये भर्ती निकली है। पोस्ट है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की। CHO के लिए 3,450 खाली पद है। 25,000 रुपये सैलरी पर मंथ के लिए है। BSc नर्सिंग पोस्ट बेसिक BSc GNM BMS अप्लाई कर सकते हैं। 35 वर्ष मैक्सिमम आयु सीमा है। आवेदन शुल्क भी आपको जमा नहीं करना होगा। सिलेक्शन की अगर बात की जाए तो 6 मंथ सर्टिफिकेट के आधार पर किया जाएगा। कम्युनिटी हेल्थ में 6 मंथ का सर्टिफिकेट आपको कंप्लीट करना होगा। ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। MP जॉब लोकेशन है। ऑल इंडिया से आवेदन कर सकते हो। nhmmp.gov.in या फिर mponline.gov.in पोर्टल से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। लास्ट डेट 10 नवंबर 2019 है। तो दोस्तों, ये थी आज की यानी कि 7 नवंबर 2019 की top 5 भर्तियों की पूरी जानकारी। अगर आपको भिन्न भर्तियों के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो उसके लिए आपको हमारी वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहीं से किसी भी भर्ती की नोटिफिकेशन की PDF सिंपली डाउनलोड कर सकते हो। आवेदन करने के लिए भी यहीं पर आपको लिंक दिए गए हैं। आप किसी भी भर्ती के लिए डायरेक्टली यहीं से आवेदन कर सकते हो। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ साथ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर हम डेली गवर्नमेंट जॉब्स की ऐसी भी अपडेट अपलोड करते हैं।